ब्रेकिंग न्यूज, टास्क में आखिरकार किसको सेव किया गया? वो कौन सा नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट है जो सिलेक्ट हुआ और सेव कर लिया गया और ये पावर मिली थी शिव को? क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत टीवी विंडो पर आपको बताऊंगी। तो कल हमने एक ब्रेकिंग न्यूज टास्क देखा, काफी इंटरेस्टिंग टास्क था। और ऐसे में इस टास्क के बाद जो है किसी एक को नॉमिनेशन से सेव कर लिया जाएगा। आपको अपने बाकी नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट को लेकर जो है एक हेडलाइन देनी है, ब्रेकिंग न्यूज देनी है, और वो जो है सेलेक्ट की जाएगी नॉन नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट के द्वारा। यहाँ पर अब साजिद खान निमृत को सेव करना चाहते थे, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि अब टास्क करने की भी जरूरत है क्योंकि सब कुछ तो प्लानिंग हो ही चुकी है आप लोगों की। टीना दत्ता भी इस पर उखड़ती हुई नजर आई। अर्चना ने बोला अब तो मैं गेम पलट दूंगी, तो चल सुम्बुल को करते हैं। खबर यह आई कि प्रियंका को सेव कर लिया गया, लेकिन अब कैप्टन शिव के हाथ में पावर थी कि उसको किसकी ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन पसंद आ रही है। सुम्बुल ने प्रियंका पर दी थी, शालीन ने सुम्बुल पर दी थी, अर्चना ने प्रियंका ने निमृत पर दी थी। तो अब खबर आ रही है कि शिव ने, जी हाँ, सेव कर लिया है किसी और को नहीं बल्कि सुम्बुल तौकीर खान को। तो ये खबर है कि सुम्बुल तौकीर जो है अब वो नॉमिनेशन से सेव है। तो एक बात तो साफ है कि सुम्बुल के साथ जो बॉन्ड शिव का देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से वो अक्सर कहते थे कि तो हमारे लिए छोटी ही है छोटी ही है, तो क्या वही बड़े भाई का बॉन्ड जो है शिव सुम्बुल के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और सुम्बुल को एलिमिनेशन से उसने सेव कर लिया है। तो वोटिंग लाइन्स ओपन थी, बॉटम टू की मैं बात करूं तो विकास और सृजिता बॉटम टू में हैं, लेकिन जो एक ब्रेकिंग न्यूज टास्क दिया गया था उसको लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो यही है कि शिव ने सुम्बुल को सेव कर लिया है।